पहले हमका रोजगार दो। अरे कौन सा रोजगार? अरे हटाओ इका। आप हमका रोजगार दिलाए देगा तो हम फ्री का राशन रिटर्न कर देगा। आप समझ रहे हैं ना? भगवान बचा लो। अरे तुम्हारे ऊपर भी कौन है भगवान है का? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो रिएक्शन। तो आज का वीडियो रिएक्शन का टॉपिक है पीके राम मंदिर कॉमेडी वीडियो। तो जी हाँ दोस्तों, आज फिर से कॉमेडी वे में वीडियो लेकर के आ गई हूँ। अली ब्रदर्स की वीडियो है, जो कि इनकी बातों में कुछ एक मैसेज होता है, एक मतलब कॉमेडी में कॉमेडी टाइप का वीडियो होता है, लेकिन कॉमेडी टाइप के अंदर जो है बहुत सारे मैसेजेस होते हैं हमारी जो आम जनता है उनके लिए। तो चलिए जानते हैं, हंसते हंसाते कुछ बातें जो है सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, और हो सकता है ये वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल हो सके, तो शेयर भी जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है सर, फिर बैलेट पेपर से ही चुनाव होने दीजिए, ये भी तो प्रावधान है ना सर। हम ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव की डिमांड करते हैं। नहीं जी, ये बैलेट से चुनाव नहीं होगा, बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होगा। अभी मैं बता रहा हूँ, गलत है ये बात। जनता मुझे खुद चुनती है। देखो जनता आपको चुनती है ना, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? होने दो बैलेट से इलेक्शन भाई, जनता आपके साथ है ना, तो बैलेट पेपर से भी आप ही जीतोगे। नहीं 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 मोदी जी, आप बीच में मत बोलो। मोदी जी प्लीज। मोदी जी, हमका रोजगार नहीं मिल रहा है, वो दिलवा दीजिए ना। अरे अमित शाह देखिए, ये हमका काम नहीं दे रहे हैं, हम वोट भी डाल दिया हूँ। अभी मंदिर बन गया है, रोजगार भी कब मिल जाएगा? अरे भैया हमका रोजगार नहीं मिल रहा है, हम मोदी जी से मांग रहा हूँ, तू बतावत ही नहीं कि कहाँ है। मोदी जी राम को ले आए हैं, उनके पैर पकड़ ले, बहुत फास्ट काम दिलाएंगे। आज जाने नहीं देगा शिव, जिन्हें किसी का भय नहीं। मोदी जी कौन है तू? पहचाने नहीं का हमका है? हम बेरोजगार। चल खोल दरवाजा। पहले हमका रोजगार दो। अरे कौन सा रोजगार? अरे हटाओ इका। आप हमका रोजगार दिलाए देगा तो हम फ्री का राशन रिटर्न कर देगा। आप समझ रहे हैं ना? भगवान बचा लो। अरे तुम्हारे ऊपर भी कौन है भगवान है का? तुम्हारे ऊपर भी भगवान है। हैं तारा और सितारा, बेघर अनाथ, गरीबी और अकेलेपन की जिंदगी से तंग आकर इन दोनों ने एक जोड़ी बनाई। बस फिर क्या था, चल पड़े चोरी और ठगी के रास्ते पर, ये समझकर कि अब वो इस दुनिया को जीतकर अपनी एक खूबसूरत दुनिया बनाएंगे। बोलो मोदी मोदी, मोदी। हम इस देश की बेरोजगारी और महंगाई पर अपना ध्यान लगाए बैठे थे, तभी अचानक विकास, मोदी जी का विकास, और वो विकास टूट रहा था इस देश में छूटे हुए अयोध्या मंदिर से। हमने प्रभु का ध्यान लगाया, अगले ही क्षण में कनेक्शन मिल गया। प्रभु पद प्रदर्शित करें, ये अलौकिक विकास क्या है जिसमें सिर्फ मंदिर और धर्म है परंतु रोजगार नहीं। प्रभु बोले कि भक्त, ये विकास इस देश में हमारे मंदिरों के लिए है, इसे ले जा और अयोध्या में एक भव्य मंदिर की स्थापना कर, क्योंकि इसके दर्शन मात्र से ही भक्तों के सब दुख दर्द दूर हो जाएंगे। बोलो मोदी मोदी, देखिए ये परिवर्तन का माहौल है। आप देख रहे हैं कि जनता महंगाई से त्रस्त है, किसान परेशान है, युवा जो बेरोजगार है, अभी आपने देखा पुलिस भर्ती में किस तरह से युवाओं के साथ धोखाधड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो बीजेपी ने कोई काम नहीं किया, एक इंडस्ट्रीज नहीं लाए हैं। आप सिर्फ यहाँ का मुख्यमंत्री सरेआम झूठ बोल रहा है, युवा यहाँ का बिहार नौकरी मांगने जा रहा है, यहाँ वह शिक्षक नौकरी बिहार में जा रही है। 48,000 पद निकाले, 60,00,000 युवाओं ने फार्म भरे, आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि यहाँ पर युवा कितना बेरोजगार है। देश में बेरोजगारी के लिए तो मोदी जी को दोष दे रहे हो, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही तो हम जिम्मेदार क्या हैं? वैसे इस देश में और भी बेरोजगारी और महंगाई आएगी तो हमेशा तुम मोदी जी पर दोष डालोगे। सर मैं मोदी जी को दोष नहीं दे रहा हूँ सर, एक्चुअली मैं देश की जनता को दोष दे रहा हूँ। सर मेरे पास कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं सर। सर इलिटरेट लोगों में इंडिया नंबर 1 पर आ गया है सर, हर 1.5 घंटे में कोई ना कोई किसान सुसाइड अटेम्प्ट करता है सर। यहाँ पर स्टूडेंट्स भी बीमारी से कम और सुसाइड से ज्यादा मरते हैं।
कुछ तो अन्याय हो रहा है ना सर देश में। मैं दूसरे देशों के बारे में नहीं बता सकता, पिछले 10 सालों से मैं ये देश चला रहा हूँ और कांग्रेस के 70 साल के कंपटीशन में नंबर 1 तक लेकर आया हूँ मैं। सर वॉट नंबर 1 सर, वॉट नंबर 1 सर, यहाँ पर कोई एम्प्लॉयमेंट्स की बात ही नहीं करता है सर, डेवलपमेंट की बात ही नहीं करता है। Exactly, yes. बात करते हैं तो सिर्फ धर्म की। मोदी है तो मुमकिन ही नहीं, सब कुछ है। मोदी जो कर दिया वो करने के लिए दोबारा जन्म लेना पड़ेगा किसी को। धारा 370 हटा दिए, राम मंदिर बनवा दिए, क्या क्या हुआ है, विकास हुआ, क्या हुआ, पांच काम गिना दिया। गिना दो, बहुत काम हो गया यार, पांच बताइए, पांच क्या, पांच के 370 धारा हटाना किसी के बस में था? ये कम है, ये राम मंदिर के लिए हम लोग 500 साल से 370 धारा हटाने के लिए मोदी हटा दिया चुटकी में। या फिर इसराइल में नौकरी की? सर यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रही है सर। उत्तर प्रदेश के 15,000 नौजवान, बेरोजगार नौजवानों ने रजिस्ट्रेशन कराया है इसराइल जाने के लिए, मजदूरी करने के लिए। देखिए जो भीड़ हो रही है यहाँ पे, सैलरी के लिए ही भीड़ हो रही है, लोग जानते हैं वहाँ यू चल रहा है, उसके बावजूद सैलरी के लिए ही लोग जा रहे हैं। हाँ, आज के डेट में सब चाहता है कि मैं अच्छा कमा लूँ, 1,37,250 रुपया तनख्वाह है। कई इसराइल में तो लड़ाई चल रही है, आप वहाँ जा रहे हो, मर भी सकते हो। तो एक ने नहीं, 10 लोगों से पूछा, 10 के 10 ने जवाब दिया कि यहाँ भी तो भूखे मर रहे हैं, क्या करें, मरने वह मर जाएंगे तो ठीक है, रोटी तो मिलेगी। इन हालात पे कौन बात करेगा? केवल राम और मंदिर में उलझा के जो नौजवानों के मुद्दे हैं, जो देश के गरीबों के मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं, उनको पीछे किया जा रहा है। सर यहाँ पे विकास नहीं हो रहा है सर, यहाँ पे सिर्फ ये सिखाया जा रहा है कि देश को नहीं पहले धर्म को आगे लाओ। तुम मुझे सिखाओगे कि कैसे देश चलाते हैं? अरे अमित साहब देखिए, हमका काम नहीं दे रहे हैं, हम वोट भी डाल दिया हूँ। अभी मंदिर बन गया है, रोजगार भी मिल कब मिल जाएगा? बेटा कब कैसे बता सकते हैं आपको, रोजगार मिल जाएगा। अरे लेकिन हमका काम कब मिलेगा? इसराइल में मिलेगा आपको। अरे ऐसे कैसे, वोट यहाँ डलवा लिया, नौकरी से इसराइल चले जाना। हमका रोजगार मिलना मुश्किल साबित हो रहा था, युवाओं को नौकरियां नहीं मिल रही, किसानों को परेशान किया जा रहा है, भ्रष्टाचार है, तानाशाही गुंडागर्दी चल रही है, उस पे क्या करें? इन्होंने जो धार्मिकता फैला दी है वो धार्मिकता भी अब यूपी के अंदर नहीं चलने वाली है। इस बार यही युवा इनको देश से बाहर निकालने का काम करेगा भारतीय जनता पार्टी। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। मुझे तो भय है कई लोगों को हमारी धर्म की राजनीति समझ गई ना, तो 2024 का चुनाव हमारे हाथ से निकल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, इस देश में स्कूल से ज्यादा लोग मंदिर में जाते हैं। अगर राम मंदिर जाएंगे तो अस्पताल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई। भक्ति करो बीमार नहीं होगे, भक्ति करो बीमार नहीं हो। दुनिया में जितनी गंभीर गंभीर बीमारियां आई, चाहे पोलियो हो, चाहे चेचक हो, चाहे अभी कोरोना आई, चाहे और बीमारी थी, उन सब की दवाइयां विज्ञान ने खोजी है, प्रार्थनाओं से मंत्रों से कोई बीमारी बिल्कुल और ना होती है। चेचक के लिए हम हमेशा उसे माता के लिए, उसके लिए हम प्रार्थना करते रहे, पूजा पाठ करते रहे, लेकिन चेचक का टीका जब डॉक्टर जैनर ने उसकी खोज की, उससे चेचक खत्म हो गई। कहना क्या चाह रहे हैं, राम मंदिर की जगह अस्पताल होना चाहिए था। राम मंदिर खुलता है, राम मंदिर में आपको नरेंद्र मोदी दिखेगा, आपको अंबानी दिखेगा, आपको एक दलित नहीं दिखेगा, आपको एक आदिवासी नहीं दिखेगा। क्यों नहीं? वो आपकी जगह नहीं भाई और बहनों, आपकी जगह सड़कों पे भीख मांगने की है। आपका काम हिंदुस्तान में सड़क पे जाकर ऐसे पोस्टर दिखाने का है।